तो हाँ गाइस, आ गए हम फिर से बहुत ही धमाकेदार फोटो एडिटिंग के साथ। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम किस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं, और मैं बता भी देता हूँ आप लोग को। तो दोस्तों, आज हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन के मदद से बहुत ही कमाल का फेस स्मूथ सिखाने वाले हैं, और ऑयल पेंट कैसे किया जाता है अपने बाल में वो सिखाने वाले हैं, और बाल में स्केचबुक की तरह कट कैसे मारा जाता है पिक्सार्ट एप्लीकेशन में, वो भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इस एडिट को सीखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो कम्प्लीट देखना, और मैं बता दूं अगर वीडियो पसंद आए उसके बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखें वीडियो को। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा प्लस का आइकन, तो सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर एडिट ए फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि ये फोटो में मैं एडिट कर रहा हूँ, तो सिंपली इस फोटो को हम ऐड कर लेंगे पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। और यहाँ पे देख सकते हो फोटो अभी ऐसा है, मतलब कितना ख़राब टाइप का है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है, और टूल्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से एडजस्ट का ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा। तो सिंपली एडजस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे प्लस 15% तक या फिर 17, ठीक है। तो यहाँ से इतना, उसके बाद कंट्रास्ट को भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं जैसे कि 23%। उसके बाद यहाँ पे क्लैरिटी को भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। जो फोटो के अकॉर्डिंग जो देना पड़े वही काम कीजिएगा। तो हाईलाइट को भी हम यहाँ पे 10% ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे डन वाला ऑप्शन है, तो सिंपली डन कर देना है। और डन करने के बाद देख सकते हो फोटो अभी कुछ इस तरह से है, आप लोग को दिखा दूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बी एंड डब्ल्यू का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फोटो का ना मतलब फोटो को ब्लैक कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये इस तरह से ये कर लेना है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कर लेना है। उसके बाद ऊपर से फिर इरेज का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग को, तो इरेज पे क्लिक करना है। इरेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इधर थोड़ा घसकाना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा, तो सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है, ठीक है भाई। तो बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा फेस यानी जो हमारा पर्सन बॉडी होगा ना, उसको छोड़ के बाकी बैक में पूरा ब्लैक टोन एडिट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इसको डन कर देंगे, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड इसका जो होगा ना वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो फोटो अभी कुछ इस तरह से है। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को फिर से टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है, और टूल्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिर से आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है भाई। तो यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे क्या करना है, सैचुरेशन को हम माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि 56 या फिर 55 या फिर मतलब 50% इसको कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हाईलाइट को थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं आप लोग ध्यान से देखें, उसके बाद समझ में आएगा आप लोग को। तो इसको हम हाईलाइट को बढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली कोने में इनवर्ट का ऑप्शन है, तो इनवर्ट कर देंगे। इनवर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से अपने बाल पे और फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम थोड़ा बाल पर अप्लाई कर देते, जो रेड रेड्स आया ना ज़्यादा वो हट जाएगा, और इसको फेस पर भी अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, और मैं बता दूँ अपने लिप के कलर पर नहीं करना है ये अप्लाई, ठीक है, क्योंकि लिप का कलर रेड ही रहता है, तो रेड ही में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो इसको हम सिर्फ फेस पे या फिर बॉडी का जो पार्ट दिख रहा होगा उस पर अप्लाई कर देंगे, ताकि जो रेड रेड सा है ना वो हट जाए, और फेस में थोड़ा चिकना हट आ जाए, ठीक है भाई। तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बच्चा है, तो इसको भी हम थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं, और देख सकते हो इस फोटो में इतना ही जो पार्ट दिख रहा था उसको कर लिया है। उसके बाद सिंपली यहाँ से डन कर देना है, और डन करने के बाद आपको आगे बताता हूँ। तो डन करने के बाद देख सकते हो फोटो भी हमारा कुछ इस तरह से है, और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर से आपको टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है, और टूल्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिर से एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे हम, आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे ह्यू वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम टी शर्ट का कलर चेंज करेंगे, ठीक है भाई। तो ह्यू वाले कलर में जाएंगे, और सिर्फ टी शर्ट पर फोकस कीजिए, तो हम टी शर्ट को रेड कलर करेंगे। तो इसको हम कुछ इस अमाउंट को कुछ इस तरह से रखेंगे 104 पर, ठीक है, 104 पे, ठीक है। उसके बाद इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कोने में इनवर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इनवर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इनवर्ट पे क्लिक करने के बाद जूम कीजिएगा फोटो को, और अपने टी शर्ट में कुछ इस तरह से अप्लाई कर देना है आप लोग को, ठीक है। सिर्फ टी शर्ट में करना है, बाकी जो आप कपड़ा पहने हो उसको अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो वहाँ भी ये अप्लाई कर सकते हो। और मैं बता दूँ अपने फेस पर या फिर अपने बॉडी का पार्ट जो दिख रहा होगा उस पर अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं।
तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फोटो हमारा अब तक कितना अच्छा एडिट हो चुका है और कितना मस्त दिख रहा है अभी ये। उसके बाद फिर से क्या करना है, आपको डन कर देना है, ठीक है। और डन करने के बाद फिर से आपको डन करना है, यानी दो बार, ठीक है। और फोटो का क्वालिटी देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बाल पे ऑयल पेंट एडिट करेंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या करेंगे। उसके बाद सबसे पहले इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाना है ऑयल पेंट करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आर्टिस्ट वाले ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो सिंपली आँख बंद की आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहला नंबर आपको मिल जाएगा ऑयल पेंट, ठीक है। तो ऑयल पेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट को थोड़ा कम कर देंगे, या फिर 13% या फिर 15% तक आप रख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, सिंपली ऊपर इरेज वाला ऑप्शन है, तो इरेज पे क्लिक करना है। इरेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे कोने में इन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से बाल पे अप्लाई कर देना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना मस्त यहाँ पे ऑयल पेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको एकदम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला ये करने में। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से ऑयल पेंट कितना मस्त एडिट हो सकता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको डन कर देंगे, और डन करने के बाद फिर से डन करेंगे तो इस पर सेव हो जाएगा। हाँ, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ये फोटो अभी कितना मस्त लग रहा है। तो वीडियो में बने रहे, अभी और भी मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप लोग ध्यान से देखते रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एड वाले फोटो पे, सॉरी एड फोटो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एड फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ना हम ये PNG एड करेंगे, ठीक है। ये लाइट PNG जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, इसको थोड़ा जूम करना है, ठीक है। लाइट PNG को जूम करेंगे, और इसको किस तरह से एडजस्ट करना है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें। तो ब्लेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको स्किन कर देंगे, ठीक है। तो स्किन करने के बाद क्या होगा ना भाई, कि जो ब्लैक ब्लैक होगा ना इसमें, वो हट जाएगा। हाँ, तो इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे अपने मतलब फोटो के साइज से मिला लेंगे, ठीक है। और इसको मिलाने के बाद क्या करेंगे, एकदम अच्छे तरह से इसको रख लेते हैं। उसके बाद आपको इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। और जो बॉडी पे जो व्हाइट व्हाइट है ना, उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हल्का हल्का लिया है, तो इसको हल्का इरेज करेंगे, ताकि हमारा फोटो के मतलब पर्सन जो है उसके पीछे लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी इरेज कर लेते हैं एकदम अच्छे तरह से, आप लोग देखते रहे ध्यान से। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे ये कितना मस्त लग रहा है, ये लाइट की तरह लगेगा ना, तो उसके बाद काफ़ी बेहतर लगेगा फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद डन कर देना है आपको, फिर से डन कर देंगे। और डन करने के बाद देख सकते हो फोटो क्वालिटी और फोटो भी कितना अच्छा। उसके बाद क्या करना है कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से ऐसा कोई नहीं बताएगा बाल में कट कैसे मारा जाता है, ठीक है। अभी हम आप लोग को बताने वाले। तो यहाँ पर ड्राॅइंग वाले ऑप्शन में जाना है आप लोग को, और यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला लेयर जो है ना, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करके रखना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कलर के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको कलर उठाएंगे फेस का, तो इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा आप लोग। तो इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये गोल राउंड आ जाएगा, उसको बाल के साइड कुछ इस तरह से अपने फेस पे रखना है, ठीक है। फेस पे रखेंगे तो ये कलर उठा लेगा, ठीक है। तो ये कलर उठा लिया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से आपको ये वाला ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर से आपको क्लिक करना है ब्रश वाले आइकन पे। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और साइज़ को ना हम छोटा कर देंगे इसको, ठीक है। तो साइज़ को हम कुछ इस तरह से छोटा कर देते हैं, जैसे कि +6 या फिर 7% तक, ठीक है। तो 6 यहाँ पे हम कर दिए हैं। उसके बाद फ़ोटो को जूम करेंगे, हाँ। और फोटो को जूम करने के बाद अपने दिमाग में ये सोच लेना है आपको कहाँ पर कट मारने, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एब्रो पर कट मारते हैं, तो आपको इस तरह से कट मार देना है, ठीक है। उसके बाद अपने बाल पर कुछ इस तरह से मारना है, तो देखिए यहाँ पर ये टेढ़ा हो गया, तो इसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये ऊपर बैक वाला ऑप्शन है, तो बैक कर देंगे। उसके बाद आपको सीधा मारना है, टेढ़ा नहीं करना है, ठीक है भाई। टेढ़ा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बाल पे कट, अभी हम कितना सीधा और कितना अच्छा से मारे, ठीक है। तो आप लोग को कुछ इस तरह से कर लेना है, उसके बाद सिंपली डन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ डन का ऑप्शन है, सिंपली डन कर देंगे। आप लोग हमसे भी ज़्यादा बेटर मार सकते हो, अगर स्थिर से मतलब आराम से करोगे तो हमसे भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देख सकते हो बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। तो देख सकते हो हमारा फोटो कुछ ऐसा एडिट हो चुका है अब तक, और फाइनली हमारा फोटो एडिट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सिंपली यहाँ सेव वाले ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेव पे क्लिक कर देंगे तो फोटो हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह का फोटो एडिट करना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से बहुत ही आसान था, बस आप लोगों को समझने की देरी है। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो सिंपली मुझे कमेंट में बताया, मैं वहाँ से आप लोग को रिप्लाई देके बता दूंगा। और मैं बता दूँ, भाई को सपोर्ट करें, मैं हमेशा इसी तरह से न्यू एडिट आप लोग को सिखाने के लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार फोटो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।